तो ये देखें आज मैं बना रही हूँ बहुत ही ज़्यादा ज़बरदस्त सी और झटपट से रेडी होने वाली ये भिंडी का सालन है, बहुत ही ज़्यादा टेस्टी होगा। तो प्लीज़ आप वीडियो को एंड तक देखिएगा। चलते हैं हम अपनी रेसिपी की तरफ। रेसिपी की तरफ जाने से पहले प्लीज़ आपसे छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर आप मेरे चैनल पर न्यू है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दें। अस्सलामुअलैकुम एवरीवन, वेलकम टू द चैनल मुकद्दस सैरी। तो वीज़ कैसे हैं आप सब? अल्लाह अज़्ज़ोजल आपको और आपकी फैमिली को अपने ईमान में रखे। तो वीज़ देखें ज़बरदस्त ही सिंपल से स्टाइल में हम भिंडी बना रहे हैं। तो इसके लिए देखें मैंने हाफ कप कुकिंग ऑयल डाल दिया है। ऑयल जैसे ही हमारा हीटअप हुआ तो इसमें बड़े साइज़ के ये दो स्लाइस में कटे हुए ऑनियन, हल्का सा जैसे ही सॉफ्ट हो तो इसमें डाल देंगे भिंडी। 3 पाव के करीब भिंडी है ये मैं डाल दूँगी। बड़े साइज़ के 2 ऑनियन थे और 3 पाव ये चले गई इसमें भिंडी। ऑनियन और भिंडी को एक साथ फ्राई करेंगे। फ्लेम आपने मीडियम से थोड़ा सा हाई रखना है, भिंडी जल्दी से गल जाती है इसलिए थोड़ी सी ये सेंसिटिव सी होती है, इसलिए आपने फ्लेम को थोड़ा हाई रखना है। अब ये देखें अब मैं ब्लैक ज़ीरा डाल दूँगी 1 टीस्पून। अब ये देखें साइड से साथ साथ में वक्फे वक्फे से आपने इस तरह से स्पून हिलाना है एहतियात से कि भिंडी टूटे भी ना। मीडियम से थोड़ा सा फ्लेम आप हाई रखेंगे। तो ये देखें तकरीबन ये हाफ डन हो गई है, बहुत जल्दी कुक हो जाती है। अब मैं इसमें डाल दूँगी ये देखें कुटा हुआ धरधरा सा कुटा हुआ 1.5 टेबल स्पून साबुत सूखा धनिया। इसी के साथ मैं इसमें डालूँगी 1/2 टीस्पून हल्दी पाउडर, 2 टेबल स्पून फ्लेक्स चिली यानी कि कुटी हुई लाल मिर्चें, 2 टेबल स्पून नमक अभी नहीं डालूँगी, नमक थोड़ा सा मैं एंड में डालूँगी। नमक भी बहुत जल्दी भिंडी को गला देता है इसलिए नमक का मैं एंड में डालूँगी। ये देखें साइड से स्पून करके आपने इसको इस तरह से मिक्स करना है। ये देखें इस तरह जब इसका लेस देखें कि आपको लगे कि इसका लेस ख़त्म हो गया है भिंडी का, फिर आपने फ्लेम को हाई से थोड़ा मीडियम पर ले आना है। आपने लाइट रखा तो फिर भिंडी लेस छोड़ देती है जिसकी वजह से सालन का टेक्सचर ख़राब हो सकता है। अब मैं इसमें डाल दूँगी 1 टेबल स्पून भर के नमक डालूँगी। अब भिंडी बिल्कुल हमारी रेडी होने के करीब करीब है। आपने मिक्सिंग करनी है इस तरह से, बहुत एहतियात से मिक्सिंग करनी है ताकि भिंडी टूटे भी ना हमारी और इसका टेक्सचर ख़राब ना हो। बहुत जल्दी रेडी होती है, तकरीबन ये देखें 5 मिनट में रेडी हो गया ये। एंड में बिल्कुल आपने क्या करना है ये देखें इस तरह से भिंडी इस तरह से सेंटर में जगह बनाकर साइड पे कर दें भिंडियाँ। मीडियम साइज़ के ये बड़े बड़े से कटे हुए 2 टमाटर हैं, इस तरह से आप सेंटर में रखकर और ऊपर से इसके भिंडी डाल दें इसको। मीडियम से थोड़ा सा आपने फ्लेम को लाइट कर देना है, ठीक है, कवर नहीं लगाना। अगर कवर लगा देंगे जब तक हमारी भिंडी पूरी कम्प्लीटली रेडी नहीं हो जाती तो आपने कवर नहीं लगाना। कवर लगाने से जब इसमें एक स्टीम सा बनेगा तो फिर उससे भी भिंडी में लेस पैदा होता है। तो ये देखें एक तो मैंने इसका क्या किया था, फ्लेम को हाई रखा था स्टार्टिंग में ही, उससे बिल्कुल लेस जल्दी से ख़त्म हो जाता है भिंडी का। और दूसरी बात यह है कि इसमें मैंने आपने नोट किया होगा मैंने इस पर अभी कवर नहीं लगाया, जब तक ये कम्प्लीटली कुक नहीं हो जाती तो मैं इस पर कवर नहीं लगाऊँगा। तो ये देखें इस तरह से साइड से आपने देखें टमाटर बिल्कुल सॉफ्ट हो चुके होंगे, जब आपने इस तरह से इसको उठाना है ये बिल्कुल टमाटर सॉफ्ट हो गए हो जाएंगे। और फिर इसकी हमने कर देनी है मिक्सिंग। ये बड़े बड़े से टमाटर इस साइज़ में अच्छे लगते हैं, बिल्कुल ये गल जाते हैं तो भिंडी के साथ इनका बड़ा ज़बरदस्त सा कॉम्बिनेशन होता है। और ये देख लें अब मैं इसमें डाल रही हूँ 3 से 4 अदद हरी मिर्चें हैं कटी हुई, बारीक बारीक सा कटा हुआ हरा धनिया डाल के इसकी मिक्सिंग करूँगी और फिर मैं इसकी करूँगी डिश आउट। मिक्सिंग आपने बहुत एहतियात से ये देखें करनी है, जैसे मैंने पहले आपको बताया भिंडी आपकी टूटने ना पाए। और ये देखें बहुत ही ज़बरदस्त सा यम्मी सा टेस्टी सा हमारा ये सिंपल से इंग्रेडिएंट से और झटपट रेडी होने वाला ये हमारा भिंडी का सालन है जो बहुत ही ज़्यादा टेस्टी बना है। अब मैं इसकी करती हूँ डिश आउट। देखें इसका टेक्सचर देखें कितनी ये मज़े की है, जब आप खुद इसी स्टाइल में बनाएंगे रेडी करेंगे तो फिर आपको अंदाज़ा होगा कि बहुत ही ज़्यादा यमी सी ये बनती है। और ये जो बड़े बड़े साइज़ के बीच में टमाटर होते हैं सॉफ्ट सॉफ्ट से जो इनका टेस्ट आता है क्या ही बात। देखें ज़बरदस्त सी हमारी भिंडी बनके रेडी है, बहुत ही ज़्यादा टेस्टी सा ये सालन बना है। प्लीज़ आप इसे ज़रूर ट्राई कीजिएगा।
इन्जॉय कीजिएगा इसी के साथ, तो प्लीज़ आप इसे ज़रूर ट्राई कीजिएगा, इन्जॉय कीजिएगा। इसी के साथ मुझे इजाज़त रखिएगा, अपना ढेर सारा ख्याल, ज़िंदगी रही सांसों ने की वफ़ा, तो मिलेंगे आपसे इंशाल्लाह एक नई वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।